अस्सलाम वालेकुम। हाँ कोई मसला नहीं है यार, 2-5 मिनट तो जाहिर है क्लास एंड करने में लग जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके तो चलें स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो गई है, सब क्लियर है? यस सर। ओके तो चलें शुरू करते हैं। कल जो हमारा डिस्कशन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, और वहाँ पर हमने इस बात को, हम अपनी बात को यहाँ तक लेकर आ गए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द शेल, बल्कि उन शेल्स के अंदर भी कुछ सब शेल्स मौजूद होते हैं कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स, जिसके अंदर आपके पास बात हुई थी बेटा एस, पी, डी और एफ। एस सब शेल जो हमारे पास है, जो हमारे बेटा एस सब शेल है, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते थे, पी के अंदर 6, डी में 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हो सकते थे। और फिर हमने एक छोटी सी डिस्कशन ये करी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट शेल पर हैं या फिर के शेल पर हैं, तो उस के शेल पर हमारे पास सिर्फ एक ही, जो फर्स्ट शेल है उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद है विच इज एस, जबकि सेकेंड शेल में क्योंकि वी हैव टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल, सो वी रिक्वायर टू सब शेल्स एस एंड पी। ठीक है, 2s और 2p ही इनको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमारा शेल तो सेकेंड ही है लेकिन वो शेल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एस और पी। हमेशा जो डिविजन होगी वो शुरू होगी लोअर सब शेल से टू हायर सब शेल। जैसे ही आपका शेल चेंज होगा आप फिर से लोअर सब शेल को सेलेक्ट करोगे, जैसे कि आप जब सेकेंड शेल पे चले गए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 2p नहीं यूज करोगे, आप 2s एंड 2p यूज करोगे, 3s, 3p और 3d। और जब हम फोर्थ शेल पे चले गए तो अगेन जैसे जैसे शेल चेंज हो रहा है आप लोगों को फिर से जो कहानी है वो जीरो से शुरू करनी है, जैसे कि 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से शेल में कितने सब शेल्स इन्वॉल्व हैं, तो बेटा ये बात डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप लोग फिलअप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक बात आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर होगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं होती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अब बेटा हम लोगों ने बात करी कि प्रिंसिपल क्वांटम शेल इज डिवाइडेड इंटू सब शेल्स। ठीक है, अब बेटा इन सब शेल्स के अंदर जैसे कि आपका एक सब शेल है एस, एस सब शेल है आपके पास, अब इस सब शेल के अंदर वो जगह के जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं बेटा ऑर्बिटल्स। सही, देखिएगा बेटा मैं आपके सामने अपनी फाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जी हो गई है। तो बेटा अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक और चीज की विच इज कॉल्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब व्हाट इज दैट एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपके पास वो रीजन या फिर स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, उस प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अंदर वो जो शेल है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें बेटा, आपके पास सब शेल्स।
और सब शेल्स के अंदर वो स्पेस के जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं उन स्पेस को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलेंगे। लेकिन ना बेटा समझ में आएगी बात, बिल्कुल सुकून से मेरी बात सुनना। द सब शेल्स आर स्प्लिट फर्दर इनटू ऑर्बिटल्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड, के जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, वो प्लेस के वेयर यू फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब शेल डिपेंड्स ऑन द सब शेल। बेटा आपका जो एस सब शेल है इसके अंदर सिर्फ एक ही और आपके पास थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ ईच डायरेक्शन px, py एंड pz, ओके। जबकि d के अंदर आपके पास फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं जिसका नाम है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। हाँ बेटा असफर बोलो। सर ये जो आप बोल रहे कि s में एक ऑर्बिटल होता है, p में थ्री ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे? बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सही है। तो देखो बात कितनी जबरदस्त हो जाएगी, आपके पास चार सब शेल है ना, देखो चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्चुअल है, बड़े मजे की चीज है। एस के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कितने, दो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये एक नई चीज देखिएगा बच्चों। बेटा ऑर्बिटल्स के अंदर अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप ये एरोस का यूज करते हो, सही है। और मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होती है, माइनस, नेगेटिव चार्ज होती है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ऑर्बिटल में होंगे तो उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे जी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसीलिए मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ओपोजिट डायरेक्शंस में डिनोट करता हूं, जैसे कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ आ रही है बात, बेटा बात समझ आ रही है सबको? अदीन, अमार, दाऊद जी सर, ठीक है। एस के अंदर क्योंकि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास इसीलिए इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा, तीन, इसीलिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, सिक्स। डी के अंदर हमारे पास क्योंकि टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, फाइव, है ना। देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस। जबकि एफ के अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो सोच के बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सेवन, सेवन, शाबाश, बेहतरीन हो गई बात, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। तो ये बात है आपके पास एस के अंदर क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, क्यों दो इलेक्ट्रॉन की जगह है, ऑर्बिटल एक है। तो देखो कहानी कैसे घूम रही है, प्रिंसिपल क्वांटम शेल है वो डिवाइडेड है सब शेल में और उस सब शेल के अंदर वो स्पेस या वो जगह कि जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सही है। तो एस के अंदर क्योंकि एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है तो वहां पे मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पी के अंदर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो वहां पर आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी के अंदर फाइव ऑर्बिटल्स तो दस इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर सेवन ऑर्बिटल्स तो 14 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ आ रही है, अधीन? बेटा ऑर्बिटल्स देखो, ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, एस एक सबशेल है, ठीक है, वहां पर वो एक स्पेसिफिक जगह के जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में
मिलके बैठ जाएं या फिर इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएं, उस स्पेस को मैं सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहा हूं बस, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। हुमैर, रुमेल, मुनज़ा बेटा, क्लियर हो रही है बात? अभी हाँ बेटा बताइएगा। थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप एक बार समझ लोगे तो ये काफी स्मूथ हो जाएगा। बेटा इसी जगह, यही तो मैंने, ये जो बनाए हैं ना, ये जो ब्रैकेट्स मैंने बनाए, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन करी है ऑर्बिटल्स की, यही तो ऑर्बिटल्स है। बाकी बच्चे भी गो है देते हैं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। रुमेल ठीक है, चलो सही है। नीचे ये वाला बेटा, अरे रुको ना, पी एक्स पी वाई पी जेड तुम छोड़ो ना, अभी मैंने समझाया ही नहीं तो तुम क्यों समझ रहे हो, सबर करो। अभी ऑर्बिटल समझो, जब पी एक्स पी वाई पी जेड की बारी आएगी ना, ये खुद ही समझ में आ जाएगा, तो ठीक है टेंशन नहीं लो बेटा। सब ओके करते हैं, चले। एक बच्चे ने कहा रिपीट कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं रिपीट बिल्कुल कर दूंगा। क्या चीज रिपीट करनी है मुझे बताओ, कहां से रिपीट करूं? ऑर्बिटल्स बताऊं क्या बताऊं? अच्छा सुनो मेरी बात, फिर से सुन लो। देखिए बेटा, आपके पास ये जो सबशेल है, सबशेल जैसे कि आपके पास एक सबशेल आ गया एस, एक पी, एक डी और एक एफ, सही। अभी पूरा एक जो बड़ा बड़ा सा प्रिंसिपल क्वांटम शेल था ना, वो डिवाइड हुआ था इन सब शेल्स में। अब बेटा इन सब शेल्स में भी वो एक खास जगह, वो रीजन जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ इस एक बॉक्स से, ठीक है, कि जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंपल लो बात, एस के अंदर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि बेटा एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, सही। इसीलिए एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल भी ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सिंपल करते हैं बात को, पी की बात करते हैं बेटा, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास एडजस्ट हो रहे हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने के लिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने चाहिए होंगे, तीन, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है। डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने ऑर्बिटल्स आपको रिक्वायरमेंट है बेटा? बेटा बॉक्स के अंदर जो मैं ये एरोज बना रहा हूं ना, ये वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन है, सही है। मैंने आपको ये बनाने से पहले एक बात बताई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इन एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक साथ एक ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं तो बेटा इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं,
जिनकी वजह से जिनको मैं शो करता हूँ, एक को अपवर्ड डायरेक्शन में, एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझे? अब डन हो गया बेटा अभी? हाँ, दाऊद सही है। चलो ओके। अब बेटा आगे चलेंगे तो हमारे पास आते हैं एन एस ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल के शेप्स। अब इन शेप से आपको बात और क्लियर होगी कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड मैं आपको क्या बता रहा था। बट सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑल द एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, देखो ये आपके पास एक्सेस है, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस। इन तीनों एक्सेस में सिर्फ ये वाला वो रीजन है कि जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन या स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल बोलते हैं। ये सीन होता है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा एस ऑर्बिटल का शेप एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एस ऑर्बिटल का शेप आपके पास है स्फेरिकल और स्फेयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्फेयर आपके पास जो है वो यूनि डायरेक्शन होता है, हर डायरेक्शन में बन के ही आपके पास एक स्फेयर कंसिडर किया जाता है। तो एस ऑर्बिटल का शेप आपके पास क्या है बेटा? स्फेरिकल। देखिएगा, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द रीजन इन विच द चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 95% एंड दैट रीजन इज कॉल्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ 1s, 2s, 3s एंड 4s। देखो अगर हम फर्स्ट शेल में एस ऑर्बिटल पे बात करेंगे तो वो छोटा होगा, जब मैं सेकेंड शेल पे चला जाऊं क्योंकि वो सेकेंड शेल बड़ा हो गया तो उसमें आपका एस ऑर्बिटल भी बड़ा हो गया। आप ये बात यहाँ पर देख सकते हो बेटा। देखो ये पहली जो डायग्राम मैंने बनाई है ये 1s का ऑर्बिटल है, छोटा सा स्फेयर। जब हम 2s पे चले गए ये है तो स्फेयर ही लेकिन रेडियस इसका बढ़ गया क्योंकि सेकेंड शेल में चले गए। जब हम 3s में चले गए तो अगेन इट इज ऑल्सो अ स्फेयर लेकिन क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ कि इसका स्फेयर और मजीद इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल क्या, एस ऑर्बिटल का शेप क्या है बेटा? स्फेरिकल शेप, नॉन डायरेक्शनल। ये दो बातें आपने दिमाग में रखनी है। जबकि बेटा जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स का शेप है आपके पास डम्बेल। ये डम्बेल्स जैसे आप जिम वगैरह में जाते हो, जिम में जो डम्बेल्स लगे हुए हो रखे हुए होते हैं ना, तो उसी से ही इन शेप्स का नाम दिया गया है। पी ऑर्बिटल का शेप आपके पास है डम्बेल शेप एंड इट इज डायरेक्शनल। ये डायरेक्शनल होता है। तो बेटा अदीन वो जो तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड वाली बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पर तुम्हारी क्लियर होगी। देखो एस ऑर्बिटल सारे डायरेक्शंस में ही लाई कर रहा है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल हमारे पास है ना, इसका शेप है डम्बेल और ये डायरेक्शनल होता है। अब क्योंकि मेरे पास तीन डायरेक्शंस हैं तो बेटा एक इसका पी ऑर्बिटल है एक्स डायरेक्शन में, एक है वाई डायरेक्शन में और दूसरा है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो अगर हम लोग ये एक्स लिखता हूँ और ये वाई लिखता हूँ, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ये डम्बल बना दूँ तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? पी एक्स का। अगर मैं यही जो है वो वाई में बना दूँ तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा आपके पास बेटा? पी जेड। ठीक है, जबकि अगर मैं यही चीज आपके पास वाई इस तरीके से इसको वाई लेके बना दूं तो ये हो जाएगा आपके पास पी वाई। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है इन सब के शेप्स। एस ऑर्बिटल का शेप क्या है? स्फेरिकल। इसमें कोई लंबी छोटी डिस्कशन की जरूरत नहीं है,
ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन का कोई अभी आपका ताल्लुक है। आपसे सीधा सीधा शेप्स के बारे में पूछा जाएगा, आप इनके शेप्स लिख दोगे और बना दोगे, ठीक है। एग्जामिनर जब हम इसके पास पेपर्स करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आपको हर डायरेक्शन में ये जो ऑर्बिटल्स बनाने, सही। ये देखो, p ऑर्बिटल्स आर ओनली अवेलेबल फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल एंड ऑनवर्ड्स। जाहिर है मतलब फर्स्ट शेल में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है s, लेकिन p ऑर्बिटल कहाँ से आना शुरू होता है बेटा, सेकंड शेल से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। ऑल थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ओके, गोइंग टू अ हायर एनर्जी लेवल the lobes of the p orbital becomes longer. So it becomes 2py, 3py और 4py. देखो जैसे जैसे आपका शेल इंक्रीज होता जा रहा है ना बच्चे, वैसे वैसे आपका ये जो p orbital का लोब है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बेटा कोई सवाल है? अच्छा दाऊद, तुम मुझसे कह रहे हो कि एनर्जी हाई कैसे हो रही है। तो देखो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि एक जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम शेल है और एन शेल, तो एक शेल न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होता रहता है ना, तो उस पूरे शेल की एनर्जी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब जब शेल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसमें बैठे हुए सब शेल्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द मोर फर्दर द प्रिंसिपल क्वांटम शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर विल बी द एनर्जी। ये सी समझे? अच्छा बेटा, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करने के प्रोसेस में, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो जो पहला कॉन्सेप्ट था 281, अब हम उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहा था कि आपके प्रिंसिपल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब तो हमारे पास प्रिंसिपल शेल के बाद सब शेल्स आ गए और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी आ गए ना, तो अब हमें उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को इन बॉक्सेस में यूज करेंगे, जैसा कि ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन है तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है। यूजिंग एनर्जी लेवल्स, हमें एनर्जी लेवल्स भी बताने पड़ेंगे कि भाई कौन से शेल में आपके पास हैं चीजें। अब बेटा इसको देखिएगा, यूजिंग sp df नोटेशन। अब अगर मैं आपके सामने
एक चीज लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1s2, ठीक है, तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन आपको क्या बता रही है बेटा? ये आपको ये बता रही है कि आपके पास ये जो न्यूमेरिकल नंबर है, दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम शेल, ये प्रिंसिपल शेल है और ये इस प्रिंसिपल शेल का सब शेल है, ठीक है, और जो मैंने ऊपर ये टू लिखा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा 2p3 फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताओ ये किस शेल में है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा ये के शेल में होगा, किस पे? के शेल में नहीं, ये फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में, थर्ड में, किस में? ये फर्स्ट में बेटा, ये सेकंड शेल, सेकंड शेल में 2p लिखा हुआ है ना मैंने? ओ अच्छा, सही, मैं इसकी बात, मैं ऐसी बात नहीं, नहीं, मैं 2p3 की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे शेल नंबर क्या है? टू। यहाँ पे शेल नंबर 2 है, सब शेल कौन सा है? पी का सब शेल है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से फिलअप करेंगे, सही? अच्छा, अब बेटा हम आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करने के प्रोसेस में। हमने सारा जो बैकग्राउंड था वो बना लिया है, अब उसके बाद हम लोग ऑर्बिटल्स को फिलअप करने के लिए कुछ रूल्स पर बात करेंगे। बेटा ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं? ये जो एस पी डी और एफ है, ये सब शेल, ये कैसे फिल होते हैं, ये इनके अरेंजमेंट कैसी होती है और ये किस पैटर्न से चलते हैं? तो इसके लिए हमें 3 रूल्स को समझना पहले जरूरी है, ठीक है, 3 रूल्स को, जिसमें सबसे पहला रूल जो आपके पास है ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए वो है बेटा ऑफ बा प्रिंसिपल का, ठीक है, ऑफ बा प्रिंसिपल। पहले रूल समझ लेना, बहुत आसान सा है और यही डायग्राम आपको हर चीज बता देगी, ठीक है। ऑफ बा प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। अब हमें पता है बेटा एस पी डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जो इनकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमेशा आप किसी भी शेल में चले जाओ, पहले एस शेल भरेगा, फिर पी भरेगा, फिर डी भरेगा और फिर एफ भरेगा। नॉर्मली ये ट्रेंड हमारे पास फॉलो हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन इस ट्रेंड में जो जो चीजें भी डिफरेंट होंगी हम उसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये जो डायग्राम नीचे बनी हुई है ना, ये वाली, ये देखने में आपको शायद थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, मैं आपको इसको आसान करके बनाता हूँ। बेटा मुझे एक बात बताइएगा, ये पहले शेल में, पहले तो शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास? फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है फर्स्ट शेल में, कौन सा? एस ऑर्बिटल सिर्फ, सही है, जबकि
सेकेंड शेल में आपके पास दो ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s और 2p। थर्ड शेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तीन, 3s, 3p और 3d, ठीक है। जबकि फोर में आपके पास चारों ऑर्बिटल होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। तो ये जो हमारी जो डायग्राम पीछे बनी हुई थी ना बड़ी सी, हम उसको सिर्फ चार तक करते हैं ना अपनी आसानी के लिए, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे अगर हमें ये चार वाली बात समझ में आ जाती है तो। अब टॉप टू बॉटम इनकी जो एनर्जी है, इन ऑर्बिटल्स की जो शेल्स की एनर्जी है बेटा, वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि आप ये देख सकते हो कि भाई पहले मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ, फिर सेकेंड शेल पर आ गया, फिर थर्ड शेल पर आ गया और फिर फोर्थ शेल पर आ गया। तो क्योंकि मेरे पास शेल नंबर बढ़ रहा है तो इन सब शेल्स की एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। और ये जो ऑफ़बा प्रिंसिपल है ये आपसे यही कह रहा है कि भाई पहले वो शेल भरेंगे जिनकी एनर्जी कम है, और जैसे जैसे शेल की एनर्जी बढ़ते चले जाएगी वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऐड होते रहेंगे। तो हमेशा बेटा सबसे पहले आपके पास कौन सा शेल भरेगा? सबसे पहले आपके पास बेटा शेल भरेगा 1s का। ये जो एरोज है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो शेल भरेगा जिसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि आपके पास है बेटा 2s। उसके बाद भरेगा बेटा 2p और 3s, फिर 3p, 4s एंड देन फिर 3d, 4p। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाती है और इसके ये एरोज समझ में आ जाते हैं तो बेटा आपके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। कैसे? अभी समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनिएगा, हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया बेटा लिथियम। लिथियम, लिथियम का प्रोटॉन नंबर है 3, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बेटा? 3 है। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कंप्लीट वाली ना, ऑर्बिटल्स को मिला के। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में जाएंगे? फर्स्ट शेल में जाएंगे, ठीक है। और आपने लिया बेटा 1s का फर्स्ट शेल, पहला शेल। उस पहले शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है s, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, ठीक है। ये आपने बोला भाई सब 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में चले गए, 1s2, ठीक है। ये शेल खत्म हो गए। अब हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपके पास अब कौन सा शेल भरेगा? 2s का, 2s1, समझे। दूसरे के s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया, दिस इज कॉल्ड दी 2s1। एक और एग्जांपल दूंगा, सोडियम। इसी डायग्राम से चलेगा मामला सारा आपका, और बाकी कोई चीज आपको ना दिमाग में बिठानी है ना याद करनी है, सिर्फ ये डायग्राम आपको फोर्थ तक एटलीस्ट जो है वो याद करना है। सोडियम, अब जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2, पहले शेल में s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स चलेगा, हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करना है। 1s के बाद किसका नंबर आ रहा है बेटा? 2s2, ठीक है। फिर सेकंड शेल का s ऑर्बिटल तो खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 2p6 के बाद 3s1। This is the electronic configuration. This is the method to write the electronic configuration. बेटा किसको ये वाली जो दो बातें हैं ये क्लियर नहीं है? सर जी बेटा, सर ये एरो का वाला समझा है कि एरो मतलब हमें बनाने होंगे करने होंगे? बेटा ये डायग्राम में तो जो है ना, ये जो डायग्राम है ये वाली जी,
एरो, इसके एरोस की फॉर्मेशन को आपने याद करना होगा, सही। ओके अगर ठीक है। आपने इसके एरोस की फॉर्मेशन को याद कर लिया ना, तो आप इसको देखते हुए सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो। देखो ये जो एरो आ रहा है ना अपसाइड डाउन, इसका मतलब है जैसे कि 1s, पहले 1s भरेगा। अगर मैं इसकी फॉर्मेशन लिखता हूँ इस डायग्राम से, बेटा जी समझना, पहले सबसे पहले कौन सा भरेगा बेटा, 1s, उसके बाद कौन सा शेल आएगा, तब बेटा 7 बनेगी, इसके बाद कौन सा आएगा, 2s, इसके बाद 2p, 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 फिर 3s, 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 2p के बाद 3s, देन फिर 3p, 3p, उसके बाद 4s, 4s, फिर 3d, 3d, और फिर 4p, ऐसे चल रहे हैं ये एरोस की फॉर्मेशन ऊपर से नीचे। आई बात समझ में? जी सर। तो इसके अकॉर्डिंगली अब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते चले जाओगे। अब बेटा ये डायग्राम को, वैसे तो ये डायग्राम बड़ी सी है, लेकिन आप सिर्फ 4 शेल तक अगर दिमाग में बिठा लेते हो ना, तो इसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद ही समझ में आ जाएगा। एक और देता हूं, मैग्नीशियम 12, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोशिश करो बेटा बनाने की, शाबाश। फसी सही सही है, शाबाश फसी, सही बताइए, बिल्कुल जबरदस्त, अदीन बेहतरीन। और बाकी बच्चे सबका नहीं, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आनी चाहिए। फसी सब मुझे डायरेक्ट उसमें भेजा करो, डीएम में भेजा करो, कुछ ताकि बच्चे कॉपी पेस्ट ना करें। दाऊद समझ आई? अम्मार, रुमेल, उमर और एक बच्चा भी, एक बच्चा कम हो गया, हाँ असफर, ठीक हेलो असफर, बात समझ आ रही है? उम्र सही है बेटा, तुम्हारी भी ठीक है, चलिए जी सब सब बता दीजिए, सही है सर। तो बेटा ये आपका पहला रूल था कि अकॉर्डिंग टू दैट रूल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी से भरेंगे, सही बेटा। दूसरा आपके पास जो इसका रूल है वो है बेटा,
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमारा तुम्हारे हाँ आ गया, सही लिखा है तुमने, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि भाई एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के दोनों ओपोजिट स्पिन्स में होंगे। जैसे कि मैं ये एरोज बना रहा था ना बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है हमारे पास बेटा, ओपोजिट स्पिन होती है। क्यों ओपोजिट स्पिन होती है? क्योंकि दे बोथ आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो दे रिपेल ईच अदर। ओके, अब तीसरा रूल देखिएगा, इट इज कॉल्ड द हुक्स रूल। इट स्टेट्स दैट, देखो जैसे कि हमारे पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। अब ये जो पी ऑर्बिटल है या पी सबशेल है, इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना हमारे पास, और इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या होते हैं बेटा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो जब भी आप इस पी ऑर्बिटल को फिल करने जाओगे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा कैसे फिल होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास सिंगल सिंगल सिंगल, और फिर वो डबल और डबल की तरफ जाएंगे। सही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले आप एक ऑर्बिटल को कंप्लीट कर दो फिर दूसरे ऑर्बिटल पे जाओ, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल 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 जाएंगे जितने भी ऑर्बिटल होंगे ना, जैसे कि डी हो जाता है, लेट सपोज अगर मेरे पास डी ऑर्बिटल होता है, तो इस डी ऑर्बिटल में आपके पास क्या मामला है, तो रहे इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे सिंगल सिंगल सिंगल, देन फिर वो डबल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले ही वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे ऑर्बिटल्स की तरफ जाए। तो बेटा ये तीन आपके पास रूल्स हैं टू फिल अप दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपका ये ऑब्बा प्रिंसिपल है। ठीक है, सही है बेटा। अब देखो बेटा, सर, जी सर ये आप नोट सब कब भेजेंगे ग्रुप पर? पुराने जी भेजे तो ये देखो आ गए, वाले भी नहीं भेजे थे आपने? आज मैंने तो यही सोचा था कि लास्ट क्लास जब होगी ना, जब भेजूंगा अभी भेजूंगा, सबल करो पहले पेज तो मैंने भूल जाएगा। लेकिन चेक करो ग्रुप पर मैंने भेज दी। अब बेटा आपका एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि ये नोट्स मैंने आपको भेज दिए, इसका ये पेज नंबर है 8। इस पेज नंबर 8 में ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 38 एलिमेंट्स की। तो अगर आप इनको एक बार अपनी नजर से आगे पीछे कर लेते हो विद रिस्पेक्ट टू दीज रूल्स, ऑब्बा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, अगर हम इसके मुताबिक इन सबको एक दफा देख लेते हैं ना, 38 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारी जो बात है इसकी ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपका असाइनमेंट ये है कि आपको इन सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को एक एक बार देख कर रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके मसले उस वक्त तक खत्म नहीं होंगे। पहली बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन लगे, लेकिन जब आप लोग इसको 1 से लेके अगर 15 तक भी एक बार कुछ लिख लोगे ना, तो
तो फिर ये चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो दाऊद यार कल वाली जो रिकॉर्डिंग है वो आई थिंक या कल में हो जाएगी अपलोड, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप एडमिन से पूछ लो। ठीक है, तो आप लोग बेटा इस फाइल आपको भेज दी है, इसको पढ़ के रखिएगा अपने पास, ताकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है वो चलते रहे, और अगर जो बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे वो नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ लेना। ठीक है, ऑल डन, अल्लाह हाफिज़।